नसरुद्दीन शाह को भी अब देश में डर लगने लगा है। आज इमरान खान ने बयान दिया है पाकिस्तान में कि अल्पसंख्यकों को हम अपने देश में सुरक्षित रखेंगे। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक असुरक्षित रहे हैं पाकिस्तान में। दिनों दिन वहाँ पर अल्पसंख्यकों की संख्या घटी है और भारत में आबादी के अनुपात में देखा जाए तो अल्पसंख्यकों की अच्छी संख्या है और उनका पूरा सम्मान है, वो पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है कि इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इस देश में विभाजन की स्थितियों का निर्माण करने की कोशिश हो रही है। और ये जो फिल्मी महोदय बोले हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि इस लायक नहीं कि इनको इतनी इज्जत दी जाए, ये बोले हैं ये उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें कि भारत के अंदर ये एक बार फिर से 1947 के विभाजन की स्थितियाँ बनाना चाहते हैं और ये वैचारिक विभाजन पैदा करना चाहते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देती हूँ कि 1947 नहीं है, ये 2018 है। जो भी भारत में विभाजनकारी बात करेगा उसको भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी।